इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक खुद को झारखंड निवासी मिथुन शर्मा होने की बात करते हुए मणिमहेश की ऊंची चोटी को फतेह करने का दावा करता है। भगवान शिव को समर्पित और पुराणों में वर्णित पंच कैलाशों में एक मणिमहेश पर्वत कहा जाता है। आज तक इस चोटी पर जाकर कोई जिंदा नहीं लौटा है। मणिमहेश पर्वत की ऊंचाई 5,680 फीट है। वीडियो में वो आसन नुमा एक जगह पर बैठकर उसको भगवान शिव का आसन बता रहा है, आसन कहते हुए आखिरी चोटी को करार दे रहा है। ये वीडियो इस कदर वायरल हो रहा है कि अब इसमें चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को IPN न्यूज के साथ। बस ऊपर ही भोलेनाथ थे, शिवलिंग था, बहुत से अजीब चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। असंभव को संभव कर दिया, यही है हमारा मणिमहेश कैलाश। जो आपको ये झंडा सा दिख रहा है, यहीं से मणि का दर्शन होता है। और मैं अभी इस वक्त यहीं पे जी खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप, ये है बिल्कुल खाई सी जैसी, रास्ते तो हैं नहीं, बस मैं इसी से जाने वाला हूँ। बिल्कुल ही डेंजर जोन है, पत्थर यहाँ पे घिसक रहे हैं। मैं इसी से जस्ट हूँ ऊपर। मैंने कैलाश की चढ़ाई मैंने पूरी कर ली, लोगों का जो शंका था वो मैं अब मिटा सकता हूँ कि हाँ ऐसा कोई बात नहीं है। बस एक डर बना हुआ है लोगों के दिल में, दिमाग में। और आप देख सकते हो कि ये मेरे पीछे जो है यही है कैलाश का मेन, जहाँ से मैं सूरज की राइट दिखती है और जहाँ पे मणि नज़र आता है। मणि जो दिखता है वो आपको इसी चोटी से दिखता है। अभी मैंने वहीं पर ऊपर बैठा था जो मैंने कुछ वीडियो बनाई है जी। और ये रास्ते नीचे जाने की, और एक रास्ता ये है नीचे जाने की, जो रास्ता तो है नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टली एकदम 1,000 फीट नीचे यह गहरा जा रहा है, पर कोशिश करते किस तरीके से जाने की। चलो यह वही जगह है जिसे लोग कहते हैं आज तक किसी ने यहाँ पर चल नहीं पाया। मेरा नाम मिथुन है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने आधी चढ़ाई कर रखी है। ये चांबा कैलाश है जिसपे कहते हैं आज तक किसी ने इस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, और ना किसी ने आज तक यहाँ पर चढ़ा है। पर यह संभव कैसे हो सकता है, जब किसी ने नहीं चढ़ा तो फिर मैं कैसे चढ़ गया। मैं देख लो आप, मैं बस थोड़ी ही दूर रह रहा हूँ जहाँ पे बोलते हैं शिव जी का मणि है ऊपर। आप वहाँ पे ये इस साइड पे ये जो चोटी आपको सामने दिख रही है, यहीं पे शिव जी का मणि है जिसे मणिमहेश कहते हैं। किसी ने यहाँ पे चढ़ तो नहीं पाया, आज तक किसी ने चढ़ा भी नहीं है। और जो इसकी लास्ट बॉर्डर बताते हैं, एक ब्लैक कलर की पट्टी जो दूर से नज़र आती है कि वहाँ से ऊपर कोई भी जाने के बाद पत्थर बन जाता है। हम भी देखते हैं कि क्या वाकई में लोग यहाँ पे पत्थर बनते हैं या नहीं, या भोलेनाथ है, या कुछ लोगों ने कहानियाँ बना रखी हैं। अगर होगा तो कुछ ना कुछ मेरे साथ अनहोनी होगी। मैं अपनी मौत को अपने हाथ पे लेके आया हूँ। मर गया तो इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है, जिंदा बचा तो भी इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से ये नीचे एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये सामने जो है कमल कुंड है और सामने शिव कुंड है। बहुत बुरी तरीके से ये देख लीजिए खाई है, यहाँ से रास्ता तो दिख भी नहीं रहा, पर मैं जो हूँ इसी भी रास्ते से उतरने वाला हूँ। अगर इसमें से गलती से एक भी चट्टान मिस कर गया तो मेरा यहीं पे कब्र खुद जाएगा। अब देख सकते हो एक के ऊपर एक बस टिका हुआ है, कोने कोने से अलग अलग कर टिका हुआ। ये बस जो नीचे देख रहे थोड़ा, बस वहाँ पे अगर हम पहुँच जाते हैं तो काफ़ी एरिया फिर हमें समतल सा मिल जाएगा नीचे जाने को, लेकिन मौसम भी ख़राब हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द नीचे जाना पड़ेगा। ये जो बिल्कुल आप नीचे हमारे सामने देख रहे हैं ये है कमल कुंड, और बिल्कुल वो जो सामने नज़र आ रहा है आपको यहाँ वो है शिव कुंड, और ये है कमल कुंड। और ये जो आप ब्लैक पट्टी देख रहे हैं नीचे, ये जो किनारा देख रहे हैं आप, यहाँ से ऊपर आज तक किसी ने इस पर्वत पे चढ़ाई नहीं की है, इतिहास गवाह है। एक गडेरिया और एक सांप के अलावा इस पहाड़ पे किसी ने नहीं चढ़ाई की। तो मैं इस हिसाब से इस जगह पे चढ़ने वाला मैं पहला शख्स हूँ। ये जो नीचे की जो एरिया देख रहे हैं आप, बस यहाँ ये लास्ट है जो यहाँ से रिटर्न सभी हो जाते हैं, यहाँ के बाद किसी ने चढ़। और यहाँ से तकरीबन जहाँ से इसकी बॉर्डर है वहाँ से तकरीबन मैंने 500 फीट ऊपर चढ़ गया, और आधी मैंने कैलाश पे चढ़ाई कर रखी है।
आधी कैलाश मैंने चढ़ चुका हूँ। जो लोग कहते थे कि ऊपर चढ़ा नहीं जाता, ऐसा है वैसा है, मौत हो जाती, चलो अगर मर जाता है कोई शख्स तो इससे अच्छी जगह नहीं होगी। मैंने सोच के आया कि चलो मरेंगे आज तो भोले के ही घर पे मरेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आप देख सकते हैं ये सामने मेरे पीछे कैलाश है जो सामने नज़र आ रहा है, और मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ। आखिर देखता हूँ क्या है, सच्चाई क्या है। मर गया तो कोई गम नहीं, मरने के बाद हो सकता है मैं वीडियो आप लोग पर शेयर ना करूँ, अगर शायद किसी वजह से चला जाए तो। मेरा नाम मिथुन पंडित है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरे पास मेरी आइडेंटिफिकेशन आधार, अगर मेरी डेथ बॉडी नीचे जाती है तो वो आइडेंटिफाई करके पहुँचा दे घर तक। बाकी मैं जो हूँ कि ऊपर जाने में जा ही रहा हूँ जी। जय भोले, जय शंकर। यही है कैलाश, मणि महेश कैलाश, जो आप देख सकते हैं। ये तकरीबन मुझे जहाँ तक लगता है 22,000 फीट की ऊंचाई पे है मणि महेश का कैलाश। ये आखिरी चोटी है, ये जिस जगह पर मैं बैठा हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, और ये कैलाश की आखिरी चोटी है जहाँ पर लोग कहते थे कि किसी को भी चढ़ पाना नामुमकिन है। मैं इसके ऊपर चढ़ा हूँ, रास्ता नहीं है जी किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, बहुत दिक्कत से सांस भी ले पा रहे हैं हम, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हम अपने मतलब मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे आना बहुत खतरा है। पहला नंबर रास्ता नहीं है, हर एक रास्ते पे पत्थरों का बम्बार है। आप देख सकते हैं कई जगहों पर, एक ये जो झंडा हमारे पास दिख रहा है ये कैलाश की लास्ट चोटी, जहाँ पर बोलते हैं कि भोलेनाथ यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे होता है मणि का दर्शन होता है, ठीक है। ये मैंने आखिरी चोटी तक आ चुका हूँ। बाकी क्या है, फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है, मौसम इतना बुरा हो रखा है, बारिश भी कई बार आ गई, मेरे कपड़े कुछ गीले भी हो चुके हैं, गंदे भी काफ़ी हो गए हैं। मैं भी यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ, मैं वैसे झारखंड के रहने वाला हूँ। मैंने भी सोचा कि आखिर क्या सत्य है, इस बात को जानने के लिए मैंने काफ़ी लोगों ने हज़ारों की संख्या मुझे मना किया कि यहाँ पे जाना खतरे से खाली। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ये यहाँ से डायरेक्ट, अगर गिरने के बाद इंसान का हड्डियाँ भी मिल पाना बहुत नामुमकिन होगा। जो नीचे मैं आपको दिखा रही आखिरी चोटी है, यहाँ के बाद कोई भी आगे के कोई रास्ता नहीं है, यह सबसे लास्ट है जिसे मणि महेश कैलाश बोलते हैं। यहीं से मणि का दर्शन होता है, और मैं इसी जगह पर बैठा हूँ उसी पर जहाँ पर मणि का दर्शन होता है। आप देख सकते हैं बस एक ऐसा है कि चेयर टाइप में बना है जिसमें कुछ सिंहासन है, जिसमें कुछ लोगों को बैठने जैसा है। हो सकता है भोलेनाथ का यहाँ पर प्रकोप है, और मैं मानता भी हूँ कि शिव जी हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मैं अब नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और बारिश हो रही है, मेरे पास और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, इसलिए जी धन्यवाद। मैं झारखंड का आया हूँ, आप देख सकते हैं मैं मिथुन पंडित झारखंड से। जय भोलेनाथ। बारिश होने लगी है तेज, मुझे घराटों की तरह तहत नीचे पानी के साथ ही उतरना पड़ेगा, वरना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जय भोलेनाथ। मेरी भी आस थी पर पता नहीं अगर पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बर्फ़ की कलियाँ गिर रही हैं यहाँ पे, बारिश नहीं है, बर्फ़ गिर रहे हैं, बर्फ़बारी हो रही है, बरसात पानी का नहीं है। ये मणि महेश की आखिरी चोटी पर मैं बैठा हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं लोगों का कहना था कि यहाँ कोई भी नहीं आया। चलो जी नीचे चलते हैं।